कर दिखाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ढूंढ ली है अक्षर की पहचान। अक्षर असली चीज है, इसमें है संसार। hey! चीजों में से झांकता अक्षर सब चीजों में छिपा है अक्षर, आओ करे पहचान। शुरुआत से अंत तक सबका एक निशान है। इसमें अक्षर उसमें अक्षर अपने हैं सब साथी अक्षर। आओ खेलें खेल हमारा, नाम है जिसका अक्षर मेला। जय साक्षरता। क्षमा गणी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी से जीत के इस मौके पर सजाया गया ये मेला है जिसका नाम है अक्षर मेला, और आप सब विजेताओं का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। ये खेल सिर्फ अक्षरों का नहीं है, लेकिन उन विजेताओं के लिए है जो इस खेल में तो विजयी होंगे ही, लेकिन अपनी जिंदगी में भी विजयी हैं। और आज हमारे साथ आपका उत्साह बढ़ाने, आपको हिम्मत देने और आपका मान करने प्रस्तुत है एक खास मेहमान। स्वागत कीजिएगा जानी मानी अभिनेत्री का, जिनका नाम है प्रिया तेंदुलकर। ये हमारे देश की बहुत बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। इन्होंने विभिन्न तरह की भूमिकाएं तो निभाई भी हैं, लेकिन उसके अलावा जब भी अन्याय हुआ है इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और उस अन्याय को न्याय में बदलने की कोशिश जरूर की है। इनका बहुत अच्छी तरह स्वागत कीजिएगा। आप सब लोगों का मैं इन अक्षरों की दुनिया में स्वागत करती हूँ। एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो अक्षर है ना, ये साक्षरता जो है, ये एक बहुत बड़े खजाने की चाबी है। एक बार ये चाबी आपके हाथ में लग गई तो आप समझो बहुत अमीर हो गए। अब एक अच्छी जिंदगी, एक बहुत खुशहाल सुस्त जिंदगी जीने के लिए ये अक्षर आपका हमेशा साथ देंगे। अभी अभी अक्षरों के साथ आपकी पहचान हुई है, लेकिन इनके साथ दोस्ती जरूर बढ़ाइएगा। एक बात आपसे कहती हूँ कि हमारे अपने हमें दगा देते हैं, लेकिन ये अक्षर जो दोस्त होते हैं ना, ये कभी दगा नहीं देते। आइए प्रिया जी, आप आइए, देखिए खेल और हमारे साथ अगला खेल जरूर खेलिएगा। आप आके जरूर खेलिए। चलिए जी, ये हमारे राजस्थान के फाइनल्स हैं। हमारी ये तीनों टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल्स के बाद, और देखते हैं इन टीम्स का नाम है अजमेर जिला, बांसवाड़ा जिला और भरतपुर जिला। अजमेर, बांसवाड़ा और भरतपुर। और ये है अजमेर जिला के स्वयंसेवक, इनका नाम है कन्हैया लाल। चलिए, कन्हैया के साथ आए हैं रामनाथ और ये हरिराम, और ये है मेदीबाई और विमला। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये है बांसवाड़ा जिला की टीम और इनके स्वयं सेवक का नाम है लक्ष्मण पटेल। लक्ष्मण के साथ आए हकरिया, और ये है नानजी, और ये है चंद्रकांता, और ये है सुकी बाई। और ये हमारी भरतपुर जिला की टीम है और इनकी स्वयं सेवक का नाम है नीतू कौर। नीतू, मेले में मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं कि सरकार और ऐसी योजनाएं बनाए और हम और अधिक से अधिक नव साक्षरों को जोड़ सके। चलिए, नीतू के साथ आए हैं बबली और ये कन्हैया, और ये हैं मिथिलेश और ये है दीपक। चलिए, मुलाकात के बाद चल के खेलते हैं अपना पहला खेल और उसका नाम है खोजबीन। हर एक टीम से हमें दो जने चाहिए, एक खोजेगा और एक लिखेगा। सबसे पहले कन्हैया, आप मुझे बताएं कि आपकी टीम से कौन खोजेगा कौन लिखेगा। हाँ, लिखने के लिए मेदी भाई जाएगी और खोजने के लिए विमला। विमला जाएगी। चलिए मेदी भाई, आप चलिए और खुशी खोलिए। आप आओ और इधर खड़े जाओ। आपको पहचानना है यहाँ पर त्योहार के नाम, ठीक है? और ये रही आपकी जाली और आपका समय। होली। होली कहा? देखो, तीज। तीज कहा इसने। सब तुम्हारे प्रदेश के हैं त्योहार। गणगौर। गणगौर। चलिए एक और है, बहुत अच्छे। देखो ऊपर से नीचे देखो, नवरात्रा। बहुत अच्छे, नवरात्रा। चारों को जान लिए इसने। होली, तीज, गणगौर,
अरे बहुत अच्छे, बहुत समय है। नहीं नहीं वो कर लेगी कर लेगी। अच्छा एक जना रहेगा सिर्फ, यहाँ एक जना वापस जाए। चलिए और आखिरी वाला है, होली हो गया, तीज हो गया, नवरात्रा हो गया, हाँ हाँ सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। चलिए 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 बहुत अच्छे, खत्म हो गया इनका, 15 सेकंड बचे हैं इनके पास। और यहाँ होली, तीज, गणगौर, नवरात्रा, वहां भी चारों, प्रिया जी दे दें इनको, चारों सही, आठों सही। चलिए आपके हो गए 80 अंक, बहुत अच्छी मिला। चलो बच्चे, और यहाँ से मुझे बताएं आप लक्ष्मण, आपकी टीम से कौन जाएगा पहचानने, कौन लिखने? चंद्रकांता जी पहचानने जाएंगे और नानजी भाई लिखने के लिए जाएंगे। चलिए आप चलिए जाइए, खिड़की खोलिए और तैयार हो जाइए, आप आओ मेरे साथ मिला। और अब तुम्हें पहचानने हैं चंद्रकांता झीलों के नाम, ठीक है? ये रही तुम्हारी जाली और आपका समय शुरू होता है अब। आपके प्रदेश की झीलें हैं, झीलें हैं, झीले झीले, हाँ बोलिए। पानी की झील होती है, पानी की प्रदेश में है ये, आप पहचानिए झीलों के नाम। हलोदी, वो कह रहे हैं पीछे से, आप सुनिए, हलोदी हलोदी कहा इन्होंने, एक और कह चुके हैं आप, ये सुनिए हलोदी, आपने एक और कहा था साजर, पुष्कर, 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 सोचो चंद्रकांता, पुष्कर, एक और बोला था आपने पीछे से, फिर से बोल दीजिए, पिचोला, पिचोला, बिल्कुल सही। और एक और है, उन्होंने पहले बोला था, फिर से बोलिए, तितोला, नहीं पीछे से बोल रही हैं आप, सुनिए सांबर, चलिए हम दे देंगे उनको सांबर, सांबर दे दीजिए, चंद्रकांता नहीं घबराते, बस बस बस, अरे भैया यहाँ तो नहीं एक जना रहता है, यहाँ आप इधर आइए नान जी, आप इधर आइए, आप यहाँ आइए, यहाँ पर तो कुछ सही नहीं लिखा इन्होंने, कुछ सही नहीं है ना प्रिया जी, चार इनके वहां सही है, यहाँ कुछ नहीं दे सकते, इनके हो गए 40 अंक। कोई बात ना, नहीं घबरा, कोई बात। अब यहाँ से मुझे बताओ नीतू कि तुम्हारी टीम से कौन जाएगा? बबली जी पहचानेंगी और मीता मितलेश लिखेगी। बबली आप मेरे साथ आइए और आप क्या लिखेंगे? जल्दी 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 आइए बबली, आपको पहचानने हैं यहाँ पेड़ के नाम जी। ये रही आपकी जाली और आपका समय शुरू होता है अब। खेजड़ी, खेजड़ी कहा इन्होंने, बबूल, बबूल, सागवान, सागवान कहा बबली ने, एक और बोला उन्होंने, कीकर, कीकर, चारों सही हो गए इनके, बहुत अच्छे, आराम से, कोई डरने की जरूरत, बहुत वक्त है आपके पास, 40 सेकंड है। खेजड़ी कहा, कीकर कहा, बबूल, बबूल और आखिरी वाला है सागवान, सागवान, जल्दी कीजिए, आपके पास फिर भी हैं अभी 17 सेकंड हैं। सागवान आपके पास है 10 सेकंड, बिंदी कहा जाएगी, खेजड़ी, कीकर, बबूल, बहुत अच्छे, नहीं 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 कोई जरूरी नहीं है लगानी। चलिए लग गई, अब आ जाइए मिथिलेश, बहुत अच्छे, इनका सागवान, इनका खेजड़ी, कीकर, बबूल और वहां भी चारों पेड़, इनको दे दे 80 अंक प्रिया जी, बिल्कुल 80 अंक हो गए इनके, बहुत अच्छे। चलिए हमारे खोजबीन का खेल यही खत्म होता है, देखते हैं किसने पाए कितने अंक। अजमेर जिला 80 अंक, बांसवाड़ा जिला 40 और भरतपुर जिला 80 अंक। भाई हमने अपने बही खाते में आपके अंक तो लिख लिए हैं, लेकिन थोड़े हिसाब किताब का काम आपको भी करना चाहिए, तो अब चल के खेलते हैं अपना खेल जिसका नाम है बही खाता। और सबसे पहले हम जाएंगे अजमेर जिला के पास, और कन्हैया जी आप मुझे बताइए कि यहाँ से कौन जाएगा गणित का खेल खेलने? गणित का खेल खेलने के लिए रामदास जी जाएंगे। आपके साथी यहाँ आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा उनकी बात, 16 जमा 61 बने 77। बावन, दूसरा बावन,
19 गुना 3 बने 57 57 80 भाग 2 बने 40 हो गया बहुत समय है, कोई दोबारा उठने की जरूरत नहीं। चलिए ये कुछ करना चाह रहे हैं, वैसे चारों खत्म हो गए, आप जा सकते हैं वापस। अच्छा अब देखते हैं यहां 77 52 57 और ये 40, इनके चारों सही है, 40 अंक, बहुत अच्छे राना। चलिए अजमेर जिला का तो हो गया, अब यहाँ देखते हैं ये बांसवाड़ा की टीम में कौन जाएगा गणित का खेल खेलने। शुक्रिया भाई। चलिए आप अपनी खिड़की खोल लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। 72 जमा 12 बने 51 60 घटा 9 बने 51 15 गुना 4 बने 60 90 भाग 3 बने 30 सुखी भाई कुछ बोलोगे 30 भाई रहो भाई रहो करिए। ये 84 ये 51 ये 60 और ये 30, इनके 40 अंक। अब हम जाएंगे अपनी आखिरी टीम के पास और नीतू से पूछते हैं कि इनकी टीम से कौन आएगा गणित। कन्हैया खोलिए और आपका समय शुरू होता है अब। 18 जमा 81 बने 18 जमा 81 फिर से बोलो 99 और 60 घटा 3 बने 67 60 घटा 3 8 गुना 8 बने 64 छह नहीं है नहीं उनको बोलिए ध्यान 36 भाग 9 बने चलो जल्दी 36 भाग 9 बस आपका वक्त खत्म हो गया। देखिए मैं बताती हूँ क्या गलत किया आपने, इधर आइए आपका पहले, आप इधर आइए कन्हैया, आपका पहले 99 है बिल्कुल सही है, ये 57 होना चाहिए था इसलिए आपका 6 रह गया और ये होना चाहिए था 64 ठीक है, तो आपका 1 सही है और ये चौथा होना चाहिए था 4 ये सही है, आपके 2 सही है, आपको मिलते हैं 20 अंक। चलिए जी हमारा बही खाता का खेल खत्म हो गया, देखते हैं किसके बही खाते में क्या अंक आया। अजमेर जिला 120 अंक, बांसवाड़ा जिला 80 अंक और भरतपुर जिला 100 अंक। कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले फैले शिक्षा का उजियारा, कहीं समय का एक तारा तन नन ना 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 तन नन ना। पढ़ लिख लिख पढ़ बन होशियार, समझ बढ़े तो पढ़े विचार, बड़ा ज्ञान से ना धन दूजा, करती दुनिया ज्ञान की पूजा। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। ये कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले फैले शिक्षा का उजियारा, कहीं समय का एक तारा। पढ़ने लिखने का तो मजा ही कुछ और है, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अब हमारा अगला खेल है, उसका नाम है देखी सुनी, कुछ देखी बातें कुछ सुनी बातें, लेकिन इस खेल को प्रस्तुत करने आएंगी हमारी खास मेहमान, प्लीज स्वागत कीजिएगा प्रिया जी का। अब हमारा ये देखी सुनी का खेल प्रिया जी करेंगी, आप लोगों से सवाल यही पूछेंगी, जवाब भी यही तय करेंगे कि सही है या गलत। प्रिया जी पहला अजमेर जिला के लिए है, आप वहां जाके पूछ लीजिए। आपके लिए सवाल है
कि राजस्थान में वो कौन सी जगह थी जहां पर बम फूटा था, परमाणु विस्फोट किया था? मालूम है आप में से किसी को? पोखरना। पोखरण, सही है। अरे सही है। अगला सवाल बांसवाड़ा जिला के लिए है। बांसवाड़ा के लोगों के लिए एक हम चित्र दिखाएंगे। अच्छा। हाँ, आपको पहचानना है कि वो चित्र किसका है, वो फोटो किसका है। आप इधर देखिए, ये देखिए, कौन है ये, बता सकता है आप में से कोई? नंदलाल मीणा। कौन? नंदलाल मीणा जी। नहीं, आपको, आप इधर आ जाइए। आप बता सकती है? भैरव सिंह शेखावत। वेरी गुड, बहुत अच्छे, भैरव सिंह शेखावत। अगला सवाल भरतपुर के लिए ही है। अच्छा, उनके लिए। अरे हाँ, उनके लिए। एक महल बना था, हाँ, राजस्थान में, जो महल जोधपुर में है, हाँ, और वो जो अकाल पीड़ित लोग थे वहां के, उनको खाने को कुछ नहीं था, हालत बहुत खराब थी, तो उनको काम मिले इसलिए वो महल बनाया गया था। क्या बता सकते हैं आप में से कोई? छीतर पैलेस। नहीं नहीं, वहां पास आऊंगा। हाँ, अब इनके पास आ जाता है, अजमेर के पास। कोशिश कीजिए इधर। लोगों को काम नहीं था और काम देने के लिए खास तौर पर ये महल बनवाया गया। मेहरानगढ़। नहीं, आप वापस आ सकती हैं बांसवाड़ा के पास, कोशिश कर लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। नहीं नहीं, अभी कहाँ जाए? ऑडियंस, आप में से कोई? हाँ जी, ठीक है, उम्मीद पैलेस। आप अभी एक नृत्य देखेंगे, आपका जाना पहचाना है, आपके गांव का है, बताइए उस नृत्य का क्या नाम है। ये देखो, कालबेलिया नृत्य। जोर से, कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल सही, कालबेलिया नृत्य। अब ये बांसवाड़ा टीम के लिए, बांसवाड़ा टीम, आप एक गाना सुनेंगे और ये बताएंगे कि ये गाना, ये भजन किसने लिखा हुआ है। बहुत आसान। किसने लिखा? जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ू रे, तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा, कौन संग जोड़ू रे। नीलू। नहीं नहीं, आप आ जाइए भरतपुर के पास। आप जानते हैं किसने लिखा? अच्छा, मैं क्यों दे सकती हूँ इनको, एक थोड़ा सा तो आसान बना सकती हूँ। हाँ। एक महिला ने लिखा है, औरत ने लिखा है। लता मंगेशकर। नहीं, अभी क्या करूं मैं, इन्होंने बोला इनका क्या बोला तुमने? मीरा भाई। इन्होंने सही बोला, मीरा भाई बोला, मीरा भाई सही है, इनको दे दे। चलिए, दे दिया। अभी आप इनका सवाल बता दें। आपका सवाल यह है कि हिंदी वर्णमाला जो आप अभी सीख रहे हैं ना, पहला अक्षर कौन सा है? नहीं, आप अजमेर में आ जाइए, बता सकते हिंदी वर्णमाला में पहला? बिल्कुल बिल्कुल सही। का होता है, और ये स्वर है, क अक्षर है। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारा देखी सुनी का खेल खत्म हो गया और इतना मजेदार प्रिया जी ने इसे कंडक्ट किया। अब देखते हैं इस खेल के बाद किसको मिले कितने अंक। अजमेर जिला को 150 अंक, बांसवाड़ा जिला को 80 अंक और भरतपुर जिला को 120 अंक। अब हमें खेलना है एक बहुत मजेदार खेल जिसका नाम है बारह खड़ी। हम आपको एक शब्द देंगे, उस शब्द के अक्षरों को, मात्राओं को तोड़कर, जोड़कर, मरोड़कर आप दूसरे शब्द बनाइएगा, ठीक है? हर एक टीम से एक जना आएगा और बारह खड़ी खेलेगा। सबसे पहले अजमेर जिला, आप मुझे बताइए कन्हैया जी, कौन जाएगा? ये बिमला जाएगी। बिमला, चलो कलम उठाओ, तैयार हो जाओ। और यही रहा आपका बारह खड़ी का शब्द, समकालीन। और आपका समय शुरू होता है अब। कान। काली। काली। नाक। मकान। मकान। काम। काम। साम। समा। नील। नील। कील। मस। समय। मक्का। माली। सोचिएगा, सोचिएगा। मल। काली। मन। मन कहा रामनाथ ने। नस। मक्का।
नीला समन समन नानी काम बस बस बहुत अच्छे लाइए मुझे कलम दीजिए अरे वाह प्रिया जी आपको दिख रहा है चलिए सम काल कली की छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की होती है नाथ हमारे पास थ नहीं है ये नहीं मकान काम श्याम नहीं और समान नील कील मस समय माली मन मक्का नहीं होता छोटी क की भी होनी चाहिए आधे क की नस काला नीला सम ये नहीं सही ना ये सही ये दोबारा हो गया समा नाम और कान एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सही है चलिए ना बताइए बांसवाड़ा से कौन जाएगा बारह खड़ी खेलने शुक्रिया भाई चलिए आप ये कलम लीजिए और आप जाइए और आपका शब्द अभी दिखाई देगा और आपका शब्द है जीवन सार और आपका समय शुरू होता है अब जीव वन सार सार सारा सारा बोला इसने चंद्रकांता ने जीवा जीना जीवा फिर से बोलो जीवा जी सर नर नर सुखी बाई कुछ बोलो नारा जर बोला नान जी ने वन वन वार वारा वारा नारा नारा बोला चंद्रकांता ने नारा नर हाँ नस नर नारा सार बस अगरिया भाई आपका समय खत्म हो गया लाइए मुझे कलम दीजिए ये देखिए प्रिया जी मैं पढ़ रही हूँ जीवन सही सार सही वन सही सार दोबारा हो गया ये नहीं हो सकता जिन कोई शब्द नहीं है वास सही ये है वसा ये सही जरा सही वारा नहीं नारा नहीं क्योंकि हमारे पास दो आ की मात्रा नहीं है ये भी नहीं हो सकता और नर सही सार फिर से हो गया आपके हो गए एक दो तीन चार पांच छ साथ आपके साथ सही आपके हो गए 70 अंक चलिए नीतू यहाँ से भेजिए आपका एक होशियार नवसाक्षर जो बारह खड़ी खेलेगा दीपक दीपक अच्छा बड़ा बड़ा लिखना चलिए और दीपक आपकी टीम का शब्द है चिकनाहट और आपका समय शुरू होता है अब चिकना हट चीक हट चीक नाट चीक नाट काट काट कट कट नाक हट नाक कान नाक फिर से बोलो कान नाक कान चिक टीना चिक करेंगे ना चिक टीना टन हीना हीना चलिए बहुत समय है काटा काटा नाटा हट लिख लिया हट नाटा लिख लिया सोचो मितेश सोचो टन टन चिकन चिकन बस दीपू आपका समय खत्म हो गया आप लाइए ये चिकना सही नाल हमारे पास ल नहीं है दीपक ये गलत है ये हट सही कट नाक ये दोबारा हो गया ये नाक दोबारा हो गया ये कान सही काटा दो आ की मात्रा नहीं है काट सही टका ये फिर से हो गया हट टीना नहीं होता और ये टन सही ये हीना नहीं है और ये दोबारा हो गया अगर हट है तो और ये नर और न र नहीं है वहां पर ये क्या है नट नट है ठीक है नट ठीक है और ये है चिकन जो चिकन की कारीगरी वाला होता है हम आपको दे देंगे आपके हुए सही एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ
10, 10 सही हो गए दीपू, आप भी हो गए स्टार। इससे पहले कि मैं 12 के अंक जोड़कर ये आपको बताऊं कि आज के राजस्थान के फाइनल के विजेता कौन है, प्लीज यहाँ स्वागत कीजिएगा प्रिया जी का। और अब हम देखते हैं कि आज के इस राजस्थान फाइनल के विजेता कौन है। तीसरे स्थान पर है बांसवाड़ा जिला 150 अंक लेकर। आओ कोई आओ बांसवाड़ा से, आओ अब आओ। हर एक खिलाड़ी को जो तीसरे स्थान पर है आपने देख लीजिएगा को मिलेंगे 500 रुपए। हर एक खिलाड़ी को 500 रुपए मिलेगा। चलिए और दूसरे स्थान पे है भरतपुर जिला 220 अंक लेकर। आइए आइए कोई आउट है नीतू, यहाँ से हर एक खिलाड़ी को मिलेंगे 750 रुपए। हर एक खिलाड़ी को मिलेंगे। और आज के राजस्थान फाइनल के विजेता हैं 310 अंक लेके अजमेर जिला। आओ आप यहाँ पर अजमेर जिला के हर एक खिलाड़ी को मिलेगा 1000 रुपया। चलिए आज का हमारा खेल खत्म होता है। हमारा ये खेल का मैदान छोड़ के मत जाइएगा, हमसे जरूर मिलेगा अगले हफ्ते। लेकिन तब तक के लिए इन सबको आशीर्वाद देने के लिए और उनके साथ गाने के लिए आइए मेरे साथ गाइए। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। ख ख ग को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ग ख ग ग को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों।